हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो कीबोर्ड में जो तीन लाइट्स होती हैं ऊपर राइट साइड में, ऊपर के देखिए तीनों लाइट्स हैं, अभी मेरी तीनों ऑन है। मैं आपको आज ये बताऊंगा कि इन लाइट्स का फंक्शन क्या होता है, ये लाइट क्या रिप्रेजेंट करती हैं, कब ये जलती हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी फर्स्ट लाइट पे। ये रही फर्स्ट लाइट, जिसके नीचे 1 लिखा हुआ है। ये लाइट होती है हमारी नंबर लॉक की, मतलब ये जो हमारा इस साइड का जो नंबर वाला कीबोर्ड होता है, अगर आप इसको ऑन करेंगे तो आपकी लाइट ऑन हो जाएगी। नंबर लॉक को अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो आपकी बंद हो जाएगी। मान लीजिए मेरा नंबर कीबोर्ड बंद है तो लाइट नहीं जलेगी, मैं इसको ऑन करूंगा तो लाइट जलने लग जाएगी। अब आती है बात हमारी सेकंड लाइट किस चीज़ की है। सेकंड लाइट जिसके नीचे ए लिखा हुआ है, ये लाइट है हमारी कैप्स लॉक की। अगर हमारा कैप्स लॉक ऑन है तो ये लाइट जलेगी, कैप्स लॉक ऑन नहीं है तो ये लाइट नहीं जलेगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इधर से आता हूँ, ये कैप्स लॉक प्रेस कर देता हूँ और ये देखिए लाइट बंद हो गई। अब मैं कैप्स लॉक एक बार ऑन करता हूँ और ये देखिए ये लाइट जल गई। तो अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। अब आते हैं हमारी थर्ड और सबसे लास्ट लाइट, ये होती है दोस्तों स्क्रॉल लॉक की। जैसे ही आप स्क्रॉल लॉक को प्रेस करेंगे ये बंद हो जाएगी, दोबारा करेंगे ये जल जाएगी। ये स्क्रॉल लॉक की होती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पता चल गया होगा कि कीबोर्ड में तीनों लाइट्स का क्या फंक्शन होता है, वो किस लिए होती हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।